नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुक विद रीना में। आज मैंने चिकन की रेसिपी बनाई है, सिंपल चिकन है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 kg चिकन है दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है और धो के पानी निकाल के इसे रख दिया है। और इधर मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं, टमाटर 2 कट करके रख लिए हैं, 5 से 6 लहसुन को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, 6 प्याज को कट कर लिया है, कुछ खड़े मसाले हैं दोस्तों। और इधर मैंने तेल गर्म हो गया, सरसों का तेल है, उसमें मैंने जीरा मिर्च और तेजपात को भी गर्म कर लिया। जब थोड़ी सी भून गई तो मैंने प्याज भी दे दिया है दोस्तों। प्याज थोड़ी सी भून जाएगी तब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। थोड़ी सी ये भी भून जाएगी दोस्तों तब मैंने इसमें 6 लहसुन जो धो के रखे थे अच्छे तरीके से वो डाल दिया है। अब मैं जो मसाला तैयार करके रखी थी, रेगुलर के मसाले हैं दोस्तों, वही सब मैंने डाले हैं। थोड़ी सी मसाले भून गए हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही दे दिया है। दही थोड़ी सी भून गई तो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब ये भी थोड़ी सी भून जाएगी दोस्तों तो मैं इसमें धनिया की पत्ते डाल दूंगी। देखिए मैं मसाला पूरी तरह से भून चुका, अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और धीरे धीरे कम फ्लेम में चिकन चलाते हुए दोस्तों इसे ढक ढक के मैं अच्छी तरह से चिकन को पहले भूनूंगी। जब मैं मसाला भून चुका था तो मैं थोड़ी छोटी सी गिलास में 1 गिलास गर्म पानी देके कुकर का ढक्कन लगा दिया है दोस्तों, और 6 से 7 सीटी आने का वेट करूंगी। जब सीटी बंद करके मैंने दोस्तों कुकर ठंडा हो गया था तो मैं इसमें खोल दी हूँ कुकर का ढक्कन। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे चिकन बन गई है। मेरी चिकन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर